हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीएमआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि डीएमआरसी के द्वारा आज एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर करने के लिए। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर करके जाएंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन डीएमआरसी में रिपीट भी होते हैं, पैटर्न भी सेम होता है। और टीसीएस कंपनी के द्वारा जो पेपर लिया जाता है उसमें देखा जाता है कि जीएस और रीजनिंग जो होती है ज़्यादातर पैटर्न रिपीट मारते हैं। तो मैं आपके सामने डीएमआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। अब बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे सीआरए का, जो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट का, तो कहेंगे कि ये तो स्टोर कीपर का पेपर है, हमारा तो है नहीं। देखिए, सिलेबस मैंने देख कर लाए हैं आपके सामने, जो पेपर लेकर आया हूँ उसमें जो सिलेबस आपका है वही इसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये देखिए, आपका डेट अभी थोड़ा देर पहले आया हुआ है, यह टाइम टेबल आया हुआ है कब एग्जामिनेशन होगा, किनका एग्जामिनेशन कब है, आप देख लीजिए। आप जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है ये कब आया था, तो 3 फरवरी मतलब अभी थोड़ा देर पहले डीएसएस निकाला गया है इन मेट्रो के द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या डिटेल दिया गया, आप देख लीजिए। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, कौन सा पोस्ट फॉर्म फिलअप किया है, एग्जामिनेशन कब होगा, डेट कब है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, सब कुछ बता दिया है उन्होंने, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, सब बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा कौन सा फॉर्म फिलअप किया, पॉज कर लीजिए वीडियो को, आराम से देख लीजिए कब आपका एग्जामिनेशन है, या आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो ये मैं सामने पेपर लेकर आया हूँ, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी क्वेश्चन करना हो उसे पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, जिससे क्वेश्चन भी दिखेगा, टाइम भी मिलेगा और एक आइडिया मिलेगा पेपर का लेवल क्या है। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें आए हुए हैं मैंने देखा है, और कुछ ईजी भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, तो एक आइडिया मिलेगा पेपर का, जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसका पेपर कैसा आता है, एक आपको अनुभव मिलेगा। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। पीडीएफ नीचे अवेलेबल है, कम्बाइंड पीडीएफ मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। मॉर्निंग में हुआ था, इवनिंग में हुआ था, आफ्टरनून ऐसे करके हुआ था, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसे करके हुआ था, तो 14 शिफ्ट का मैंने कम्बाइंड पीडीएफ करके नीचे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएंगे तो एक आइडिया मिलेगा, कुछ वहाँ पर जाकर आपको शौक नहीं होगा या आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पेपर का लेवल ऐसा कैसा है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर का लैंग्वेज कैसा आता है, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर बना के जाएं। और बहुत सारे बच्चों से मेरे में से बात होती है, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर लेके आते रहता हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन होती है, चाहे एसएससी होती है, सीबीएसई होती है, DSSB होती है, एनटीपीसी होती है, तो हमेशा मैं सामने आपको लेकर आते रहता हूँ। अभी डीएमआरसी के भी लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी लेके आने के लिए। और जिनको पीडीएफ चाहिए, नीचे अवेलेबल है पीडीएफ, कंबाइंड मैंने कंबाइंड पीडीएफ दे दिया, 14 शिफ्ट का पीडीएफ है, जिनके लिए समय कम है, जिनका पेपर पास में है तो उनके लिए। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि जो कस्टमर रिलेशन सर्विस जो बता रहे थे आप लोग सीआरए का, तो उसका पेपर जल्दी ही होने वाला है, डेट आ चुका है, बहुत जल्दी है, मुझे लगता है 2 सप्ताह बचे हुए हैं बस पेपर के लिए, तो पेपर में लग जाइए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए तो बहुत कम समय है, तो एक कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन डील करें, जिससे आपको वहाँ जाकर कुछ प्रॉब्लम ना फील करना पड़े एग्जामिनेशन में। जितना क्वेश्चन डील करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी चल रहा है ये DI का सेक्शन चल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, मैं देख कर लाया हूँ आपके सामने। और सिलेबस जो है पैटर्न सेम है, इसका भी सेम है, असिस्टेंट स्टोर कीपर का जो है ये, और आपने जो भरा है वो CRA का, तो दोनों का सेम है, मैंने देख कर लाया, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा कर ला दिया, मैं देख कर लाया हूँ मैं। और जिन्हें PDF चाहिए नीचे से ले सकते हैं, PDF नीचे अवेलेबल है। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अपना टाइमिंग टेबल देख लीजिए, जो कौन सा दिन का पेपर पड़ा हुआ है, और उस हिसाब से अब एग्जामिनेशन देने चाहिए। सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, कोशिश करूँगा मैं नीचे PDF का डिस्क्रिप्शन दे दूँ, मैं जो आया हुआ है टाइमिंग टेबल आप देख लें एक बार अच्छी तरीके से, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा पेपर कब है आपका, क्या पता आपका पेपर जल्दी ही हो और आपको पता ना चले, तो ऐसा भी हो सकता है, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा ये पेपर कब है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोशिश करना है पूरा वीडियो देखें आप अच्छी तरीके से, ठीक है। टाइम दें, क्वेश्चन बनाएं, सॉल्व करें, लेटेस्ट पेपर आपके सामने है, तो ऐसा कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वीडियो, और यहाँ पर नहीं अभी और भी है, चलिए देख लेते हैं और कितना है। अगर रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, इजी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें DMRC में।
यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ आराम से आप सॉल्व कीजिए, पॉज करके आराम से देखिए, पेपर का लेबल देखिए, क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं आपसे बन रहे हैं, समय बहुत कम है, एक बार देखिए पेपर का लेबल कैसे आ रहा है, इससे आइडिया लगेगा कि आपका जो लेबल है कितना है, सही है कितने, किस पे कमी है आपको, किस पे सुधार करना है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे पॉज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है हमारा वीडियो पूरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमेशा आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। PDF नीचे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कंबाइंड PDF आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ राइट हैंड साइड में, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखेगा आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये कंबाइंड PDF है, और ये कंबाइंड जो PDF है पूरे 400 कुछ पेज का PDF है, तो आपको नीचे मिल जाएगा ये कंबाइंड PDF। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।